Hey guys, how are you? Before we start our tutorial today, let me inform you about our first giveaway on Instagram. Don't miss the opportunity to participate and win. Aaj hum lippan art banayenge, so let's get started. As you all know, I believe in upcycling. तो आज हम पहले अपना बेस रेडी करेंगे कार्डबोर्ड से. मैंने यहाँ पे तीन स्क्वायर काटे हैं, एक 10x10 इंच, दूसरा 7x7 इंच और तीसरा 5x5 इंच. क्योंकि आज हम अपने आर्ट को काइट फॉर्म में बनाने वाले हैं, तो हम तीन ट्राइंगल्स भी कट करेंगे. इनके एक्चुअल टेम्पलेट्स अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी. ये हम फेविकॉल को डाइल्यूट करके किचन रोल या टॉयलेट पेपर से अपने कार्डबोर्ड के एजेस को कवर करेंगे. ड्राई होने के बाद हम इस पे एक लेयर जेसो की अप्लाई करेंगे. आप चाहो तो डायरेक्टली पेंट भी कर सकते हो. जेसो अप्लाई करने से ये कैनवस जैसा लुक देगा. आप चाहो तो डायरेक्टली कैनवस या वुड पे भी अपनी आर्ट कर सकते हो. स्केल की हेल्प से हम बॉर्डर ड्रॉ करेंगे. फिर बेस के साइज का न्यूज़पेपर लेकर दो बार फोल्ड करेंगे. फिर सेंटर में पेंसिल रखकर होल्ड करते हुए अपना बेस का सेंटर मार्क करेंगे. फिर इस सेंटर पॉइंट पे अपना कंपास रख के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. कलर स्कीम टोटली आपकी चॉइस है. यहाँ पे मैंने सेंटर में फ्लोरोसेंट ग्रीन, फिर टर्कोइज टील और बॉर्डर में अल्ट्रा मरीन ब्लू यूज़ किया है. सेंटर में जो मैंने ग्रीन किया है उसमें थोड़ा सा लेमन येलो भी मिक्स्ड है. सीधी लाइंस पेंट करने के लिए आप ये पेपर टेप यूज़ कर सकते हो. ये फेविक्रिल मोल्डेड है, इसमें रेजिन और हार्डनर होते हैं. दोनों को हम इवनली मिक्स करके अपना क्ले वर्क करेंगे. लिपन आर्ट गुजरात की एक पॉपुलर आर्ट है जिसे मड एंड मिरर वर्क भी कहते हैं. ट्रेडिशनली इसमें मड और काउ डंग या फिर कैमल डंग को यूज करके वॉल पर आर्ट की जाती है. इससे उनके घर ठंडे भी रहते हैं. अपने क्ले वर्क को पेस्ट करने के लिए हम कोई भी पीवीए ग्लू या फेविकॉल यूज करेंगे.
आज हम इसमें बहुत सारे मिरर्स पेस्ट करने वाले हैं। हम इसमें जितने ज़्यादा मिरर्स लगाएंगे उतना ही मैग्निफिशेंट लुक आएगा। अपनी काइट की टेल को हम हॉट ग्लू गन से पेस्ट करेंगे। चलिए क्विकली हम कुछ टैसल्स बना लेते हैं। इनको हम काइट के बॉटम पर हॉट ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। ये मेरी 10 इंच वाली बड़ी काइट है। इस पे मैंने क्ले की हेल्प से सेंटर में फ्लावर और ये कुछ टाइनी ड्रॉप्स बनाए हैं। ये मिरर्स के बीच में क्ले के टाइनी बॉल्स पेस्ट करें हैं। इनकी बैक साइड भी पेंट करने से काफी नीट लग रहे हैं। हैंगिंग के लिए हॉट ग्लू गन से एक थ्रेड पेस्ट करा है और ये हमारा 3 काइट्स का सेट रेडी है।